हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि इस मंथ में, दैट मींस जिस भी मंथ आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, उस मंथ से आप इस रीडिंग को रिलेट कर सकते हैं। इस महीने आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी होने वाली है, कौन सी मैनिफेस्टेशन डिवाइन सुन रही है, कौन सा मिराकल आपके लाइफ में होने वाला है, हम लोग वो सब चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है प्लस कलेक्टिव है सभी साइन के लिए, बट डेफिनेटली मैं ये क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि किन के लिए ये रीडिंग है, सो दैट आपकी इंट्यूशन आपको बताए कि ये चीज़ आपके साथ होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। एंड हम लोग चेक करने वाले हैं कि इस मंथ आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताएं कि इस मंथ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। तो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, ये है फाइव ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग डिप्रेस हैं क्योंकि हाल फिलहाल में उनका ब्रेकअप हुआ है, कोई इम्पॉर्टेंट रिश्ते को उन्होंने खोया है, उनके अपनों ने ही उनसे दूरी मेंटेन की है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फाइव ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो अपनों की वजह से पेन मिलता है, सब कुछ होने के बाद भी वो पर्सन सैड होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर नॉइज़ था। सब कुछ होने के बाद भी वो पर्सन सैड होते हैं, जैसे कि आप में से कई लोग सैड हो सकते हैं किसी एक पर्सन की वजह से, कोई रिश्ता खोया है, कहीं ब्रेकअप हुआ है, किसी ने ब्लॉक किया है, या फिर कोई बहुत कम बात कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, या फिर कोई भी रिश्ता, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, कुछ भी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से आपके अंदर एक इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा है, इमोशनली आप लोग काफ़ी डिप्रेस हो। लेकिन फाइव ऑफ कप्स इतना बुरा कार्ड नहीं है। ये जो पोर्टर है, इसके थ्री जो हैं पोर्ट टूट गए हैं, जिसको लेकर ये बहुत सैड है, लेकिन दो पोर्ट इसके पास पूरे भरे हैं, जिनकी तरफ ये नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि जो आपके पास अभी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, या फिर डिवाइन हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे, आप उन पर बिलीव नहीं कर रहे, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप उनके लिए थैंकफुल नहीं हो, लेकिन जो आपके पास नहीं है उनका शोक आप डे एंड नाइट मना रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो। वही फाइव एक साइन होता है कि कोई भी जो दुख है ना, वो अपने अटमोस्ट लेवल पर है, आफ्टर डैट वो दुख हटेगा एंड हैप्पीनेस आएगी, लेकिन उस हैप्पीनेस के लिए आप लोगों को खुद रेडी होना है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हो, या आप जिससे डील कर रहे हो वो लोग हो सकते हैं। वन मोर कार्ड एंड दैट इज़ द टावर। टावर अगेन यही सिंबलाइज करता है कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेट हुए हैं, डाइवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपके अपने लोगों ने ड्यू टू कोविड एंड अदर प्रॉब्लम्स आपको छोड़ा है हाल फिलहाल में, किसी की डेथ हुई है, कोई आपको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए गया है, या फिर मुझे यहाँ पे टावर ये भी बताता है कि फाइनेंस, सोसाइटी, रिलीजन, फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत सारी चीज़ों से आप में से कई लोग एक साथ डील कर रहे हैं। होता है ना कि टाइम ही ऐसा है कोविड का, जिसमें हम अपनों से मिल नहीं पाते, अपनों से बात नहीं कर पाते, अकेले अकेले रहते हैं, घुटते हैं, हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं है, उनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, हर कोई अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, तो कोई किसी को हैप्पीनेस कैसे दे सकता है। ऐसे में क्या होता है कि ना फाइनेंस है, ना हेल्थ है, ना ही कोई अपना कोई आसपास दिखाई देता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। वही चीज़ हो रही है आप में से कई लोगों के साथ, लेकिन फिर यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे टावर और फाइव ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोगों का जो दुख का घड़ा है ना, वो भर चुका है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता है, वैसे ही मैं कहती हूँ कि दुख का घड़ा जब भर जाता है ना, तो आफ्टर डैट हैप्पीनेस ही आती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर अपने पीक लेवल पर है तो समझ लो कि वो और नहीं बढ़ सकती, जितना बढ़ना था उसने बढ़ लिया, आफ्टर डैट हैप्पीनेस ही आएगी। अब हम लोग चेक करेंगे कि मई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये थी आपकी अब तक की एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन बताएं
मई का मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा? ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि आप ना अपने साथ हैप्पी रहना सीखने वाले हो, आप लोग अपने साथ हैप्पी रहना सीखने वाले हो। और अगर आप लोग बहुत डिप्रेशन में थे अभी तक, जिसकी वजह से आप सेल्फ केयर पर फोकस नहीं कर रहे थे, आप अपनी कंघी नहीं कर रहे थे टाइमली, आप लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे थे टाइमली, आप लोग मिरर नहीं देख रहे थे टाइमली, लेकिन अब आप उस एनर्जी से शिफ्ट करोगे, आप खुद पे फोकस करोगे, खुद के लुक पे फोकस करोगे, अलग अलग वियरिंग ट्राई करोगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करके अपना फेस मिरर में देखोगे, खुद के लिए नए प्लान्स बनाओगे, योगा प्लान, एक्सरसाइज प्लान, अच्छी डाइट का प्लान, और जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, खुद को हेल्दी और हैप्पी रखने का प्लान। ये इस मंथ में आपके अंदर एक बहुत ही स्पेशल चेंज आने वाला है, जब आप खुद के बारे में सोचने वाले हो, खुद की हेल्थ पे फोकस करने वाले हो, खुद को डिप्रेशन में निकालने के लिए खुद ही की हेल्प करने वाले हो। कहते हैं जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो कोई हमें बाहर नहीं निकालते, इवन गॉड भी नहीं, जब तक हम खुद ना कोशिश करें, ठीक है? तो अब आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि अब आप खुद कोशिश करोगे डिप्रेशन से बाहर निकलने की, एंग्जाइटी से बाहर निकलने की, खुद को इम्प्रूव करने की, खुद को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने की, अपने लव को या फिर अपने लव्ड वंस को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की, ठीक है? अगेन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत लोगों की केयर करते हैं, बहुत लोगों का लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन खुद ही पेन से इस टाइम जूझ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज 17 नंबर एंड दिस इज द स्टार, अमेजिंग। डेफिनेटली आप में से कई लोग 69, 96 नंबर्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजल नंबर्स का। आप लोग पहले से बैलेंस हो रहे हैं या फिर बहुत जल्दी बैलेंस होने वाले हैं। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, प्रेयर्स का कार्ड है, पॉजिटिव होप का कार्ड है। मई मंथ में या फिर जिस भी मंथ आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम आपके लाइफ में कोई मिराकल होगा या एकदम आपके लाइफ बदल जाएगी या फिर एकदम आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि यार कैसे हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, नोट लाइक दिस। लेकिन मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, आप सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा प्लान्स करोगे, कुछ नया सीखोगे, अपनी हैप्पीनेस में टाइम स्पेंड करोगे, खुद के लिए जीना सीखोगे, एंड आप जो भी चाहते हो उनको आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे, एंड आप काफ़ी होपफुल रहोगे फॉर द फ्यूचर कि फ्यूचर में जो होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। तो एनर्जी में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है, टावर एंड फाइव ऑफ कप्स, दैट मीन्स एकदम डिप्रेस, एंग्जाइटी, फियर, स्केयर वाली एनर्जी से बाहर निकलकर आप लोग होपफुल बनोगे, आप लोग इंडिपेंडेंट बनोगे, आप लोग खुद की केयर खुद करोगे, खुद को इन प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश भी खुद करोगे और एंड खुद को खुद से ही सपोर्ट करोगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड अगर आप कुछ सोच रहे हो कुछ सीखने के लिए, कुछ चीज़ें अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली ये टाइम है जब आपको अप्लाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई फाइनेंशियल और कैरियर से रिलेटेड इशू है, देन डेफिनेटली वो इशू से आप बाहर निकलोगे एंड आप अपनी अर्निंग भी करोगे एंड उस अर्निंग का कुछ पार्ट लोगों में डोनेट भी करोगे, जिसकी वजह से औरों की ब्लेसिंग्स आपको मिले, औरों का सपोर्ट आपको मिले, एंड ऑब्वियसली आप लोग इम्पैथ हो, औरों को हमेशा प्रायोरिटी देते हो। वीनस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिस भी मंथ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल क्राइसिस सुधरेंगे, ठीक है? आप लोग होपफुल रहोगे फॉर फ्यूचर एंड आप लोग कुछ डोनेशंस करोगे, एंड अगर अभी तक आप प्लान कर रहे थे कि डोनेट करना चाहिए तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी तो आपको डोनेशन करना चाहिए, ठीक है? टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आप हो सकते हो। आप लोगों का सैटर्न अब डे बाय डे मजबूत हो रहा है, दैट मींस आपकी लाइफ में अब रिजल्ट मिलेंगे, आपके हार्डवर्क आपको पे करेंगे। शनि सिंबल है हार्डवर्क का, जब कोई इंसान बहुत हार्डवर्क करता है, गिव अप नहीं करता, तो उसको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छे शनि और एक अच्छे सैटर्न होने का प्रतीक है, ठीक है? एंड मुझे ये भी लग रहा है कि राहु का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी लोगों की लाइफ में कम होगा। इवन जो मैं देख पा रही हूँ, जुपिटर भी अगर आपका वीक है तो आप उस एनर्जी से भी बाहर निकलोगे, ठीक है? रेस्ट आप लोगों का मर्करी काफ़ी वीक है, जो मैं देख पा रही हूँ केतु काफ़ी वीक है, तो आप लोग गणपति बप्पा की पूजा करो, डोनेशंस करो, एंड
ग्रीन फूड ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो, ठीक है, ग्रीन कपड़े पहनो, ग्रीन फूड इनटेक करो, जो भी कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट करो। प्लीज़ डिवाइन बताएं और नेक्स्ट मंथ में क्या चेंज हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। एट ऑफ पेंटिकल्स, जो मैं आपको कह रही थी, सैटर्न, सैटर्न आपका मजबूत हो रहा है, सैटर्न आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, ऐसा नहीं होगा कोई मिराकुलसली चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि बताता है हार्डवर्क, ठीक है, ज़्यादा हार्डवर्क करके वो पे करना शुरू करता है, बट डेफिनेटली चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी इस मंथ, ठीक है। आपका हार्डवर्क आपको पे करेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल होंगी, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, सेल्फ ग्रोथ होगी, आप लोगों को डोनेशंस करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, आप काफ़ी अनकंडीशनल होके लोगों के साथ कनेक्ट होगे, ठीक है। एंड जो चीज़ें होके ही नहीं दे रही उनसे आप बाहर निकलोगे, एंड जो होके दे रही हैं उन पे आप एफर्ट्स लगाओगे एंड आपके हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेंगे। और चेक करते हैं, ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स इज इम्प्लाइंग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। आप लोग बहुत नेगेटिव फेस से निकलोगे एंड आप लोग अपने इंट्यूशन को सुनोगे, जो आपकी इंट्यूशन कहेगी कि आप बहुत होपफुल हो, बहुत पॉजिटिव हो, आगे सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप क्रॉस रोड से बाहर निकलोगे, आप औरों की नहीं सुनोगे, आप इल्यूजन्स में नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि राहु का इम्पैक्ट काफ़ी लोगों की लाइफ में कम होगा, ठीक है। तो आप लोग इंट्यूटिवली अभी तक जो था ना, आप काफ़ी इमोशनल थे, आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते थे, आप बहुत डिप्रेस, सैड, एंजाइटी में या फिर डिप्रेशन में चले जाते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके जो इमोशनल एस्पेक्ट है ना, ये आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी पावर है। जो लोग इमोशनल होते हैं वही लोग डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं, वही लोग अनकंडीशनल किसी से प्रेम कर पाते हैं, लव कर पाते हैं, वही लोग फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं, वही लोग किसी की नेगेटिव इंटेंशन को भी पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन अपने इमोशंस के बेस पर वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अब आप मैच्योर हो जाओगे। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर नॉइज़ आ गया था, तो मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप समझ जाओगे कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और ये आपका कोई वीक पॉइंट नहीं है, आपकी पावर है। आपको अक्सर लोगों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन आप सोचते हो कि रिश्ते ख़राब ना हो, इसलिए आप अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपकी पावर है, आपको उसको सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि क्रॉस रोड से आप बाहर निकलोगे, फाइनेंशियल आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, इमोशंस आपके बैलेंस होंगे, डिप्रेशन से आप लोग बाहर निकलोगे, होपफुली आप लोग रहोगे, एंड फ्यूचर के लिए आप लोग अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। एंड सैटर्न आपका पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, प्लस वीनस भी। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आज एट ही डेट है और आज डे भी सैटरडे है, तो क्या मतलब कोइंसिडेंस है कि वही कार्ड्स बता रहे हैं। अगर मैं बॉटम से देखूँ तो बॉटम से आया है हमारे पास द हर्मिट। द हर्मिट इज़ इम्प्लाइंग कि अभी तक आपको लगता होगा कि आप दुनिया की भीड़ में अकेले हो, आप सबकी हेल्प करते हो, आपकी हेल्प कोई नहीं करता, आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल रहते हो, लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते हो, लेकिन आपके ज़रूरत के टाइम में कोई नहीं होता। तो वो इसलिए है बिकॉज आप बहुत स्पेशल हो, आप जितनी नॉलेज, जितनी विजडम और जितनी इंट्यूशन पावर रखते हो उतने लोग नहीं रखते, जितने समझदार आप हो उतने समझदार लोग नहीं हैं। जिस बिग पिक्चर को आप देख सकते हो, जितना डिवाइन के साथ क्लोजली आप कनेक्टेड हो और नहीं है, ठीक है। दुनिया की भीड़ में बहुत लोग होते हैं एंड वो सभी लोग वाइज, ऑनेस्ट या फिर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन या फिर डिवाइन के साथ बहुत डीप और इंटेंस कनेक्ट नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी भी नहीं। जबकि फ्रेंड्स, आप अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहे हो। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। मैं यहाँ पे कह रही थी कि आप अपनी खुद की वर्थ नहीं समझ पा रहे हो। नो योर वर्थ, अंडरस्टैंड योर वर्थ। हर्मिट एक ऐसी पर्सनालिटी है कि अगर वो अपनी पावर में आ जाए ना, तो दुनिया सर झुका जाए, दुनिया मान जाए आपको, ठीक है, दुनिया आपको फॉलो करे। लेकिन होता क्या है कि आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, कोडिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हो, उनकी मनमानी सहते हो, एंड देन
अपनी वर्थ को सेक्रीफाइस कर देते हो एंड उनको फॉलो करने में अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपने स्किल्स सारे स्पॉइल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको लोग उल्लू बना रहे हैं, आपको पता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा, लेकिन आप राइट टाइम का वेट करते रहते हो, सेक्रीफाइसेस करते रहते हो कि जब आप लोगों को समझ में आएगा कि आपकी या फिर आपके रिश्ते की क्या वर्थ है। लेकिन ऐसे सबको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज़ ये एक टाइम कलयुग का है, ये टाइम कलयुग का है जहाँ लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ ज़रूरत है आपको भी अपनी वर्थ खुद रियलाइज़ करने की। अगर आप अपनी वर्थ खुद रियलाइज़ कर जाते हो तो कोई भी आपको बुरा फील नहीं करवा सकता। हर्मिट के अंदर वो पावर है, हर्मिट दुनिया से अलग है, दुनिया से अलोन है, दुनिया की भीड़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके पास वो पावर है। अगर ये वो अंडरस्टैंड कर जाए, समझ जाए, उसको यूज़ में लाए तो दुनिया उसको फॉलो करेगी, राइट? आप बहुत स्पेशल हो, आपकी नॉलेज, आपके स्किल, आपके विजडम, आपका कैरियर सब बहुत ब्राइट है, लेकिन जब आप बात करते हो लोगों के बीच में बैठकर तो उनको आपकी बातें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता, वो आपके अगेंस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सैड और डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, लोगों के प्यार के लिए भटकते हो। बट आपके पास सब कुछ खुद के पास है, आप खुद को लव भी कर सकते हो, खुद को केयर भी कर सकते हो, खुद को पैम्पर भी कर सकते हो, और जैसे ही खुद को वर्थ देना स्टार्ट करोगे ये दुनिया आपकी वर्थ को समझेगी एंड ये दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो आपको औरों को फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन, बिलीव ऑन दैट एंड फॉलो योर इंट्यूशन, राइट? जो एडवाइजेस आप औरों को देते हो आपको खुद समझने की जरूरत है, खुद फॉलो करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आओ। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी एनर्जी है एरीज लियो सैज की, फायरी एनर्जी, ठीक है, जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिसको देखकर लोग फॉलो करते हैं, जो किसी को फॉलो नहीं करता, किसी का पीछा नहीं करती, किसी के सामने झुकती नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं, जो कि इतनी कैपेबल है, इतनी गुड लुकिंग है, इतनी अट्रैक्टेड है, इतनी नॉलेजेबल है और वाइज है, और प्लस उसने खुद को इम्पोर्टेंस सबसे पहले दी है। कहते हैं ना, वो एक गाना है आपने सुना होगा, मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। तो आप लोगों के साथ, आप लोगों को ये चीज़ फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुद पे फोकस करते हो तो आपकी नॉलेज, आपके विजडम, आपके लुक के पीछे दुनिया सर झुकाएगी। लेकिन अगर आप खुद की वर्थ ही नहीं समझते हो तो आपकी वर्थ और कैसे समझेंगे। जितना मर्जी सेक्रीफाइस कर दो, वो आपको पे बैक नहीं देगा। एंड द लास्ट कार्ड हमारे पास है जजमेंट कार्ड, जिसमें कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि क्यों युद्ध करना है, किस लिए युद्ध करना है। जब तक वो इस समाज की, रिलीजियन की, कस्टम्स की पिक्चर अपने माइंड में लेकर बैठे थे तो उन्हें ये सब अनजस्टिस लगता था, लेकिन जैसे ही कृष्णा ने उनको रियल फेस दिखाया, सोल्स के बारे में बताया, स्पिरिट्स के बारे में बताया, तो अर्जुन डिवाइन के जस्टिस के लिए रेडी हो गए, डिवाइन के जस्टिस को फॉलो करने के लिए रेडी हो गए, एंड एकदम ब्रदर्स एंड सभी रीति रिवाजों को, सभी कस्टम्स को, सभी रिलेशनशिप्स को भूलकर जजमेंट के लिए आगे बढ़े। तो बहुत जल्दी आपको जजमेंट मिलने वाली है। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, यू आर द प्योर सोल, आपको हर्ट होता है, आपको पेन होता है, तो डिवाइन आपको जजमेंट जरूर देती है। कोई भी सोल अपने कर्मा से नहीं बच सकती, ठीक है, लेकिन थोड़े से चेंजेस आपको भी लाने हैं, सो दैट जो 3D प्लेन में आप डिजर्व करते हो, आपको अच्छे रिलेशनशिप्स मिले, आपको अच्छा कैरियर मिले, आपको अच्छी विजडम मिले, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिले, उसके लिए सबसे पहले नो योर वर्थ। रेस्ट आपका इस मंथ कैरियर भी इम्प्रूव हो रहा है, आप सेल्फ वो लाइफ पर फोकस भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, फ्यूचर के लिए होपफुल भी हो, जजमेंट पर भी आपका अच्छा बिलीव है, एंड इंट्यूशन को भी सुन रहे हो, काफ़ी अच्छे से आप लोग फॉलो कर रहे हो। जो एडवाइजेस मुझे दिख रहे थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब मैं चेक करती हूँ, आप डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो, एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हो, खुद की लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, खुद की इम्पोर्टेंस के लिए लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए वर्क कर रहे हो। तो अब तक की जो ये कार्ड्स मैं पढ़ पाई हूँ ये सब यही बता रहे हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके लिए लव ओरेकल कार्ड से क्या आता है, कि इस मंथ आपको क्या स्पेशल मिलने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं।
प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस मे के मंथ में, या फिर जब भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उस मंथ में उनकी लाइफ में क्या स्पेशल होने वाला है। द सेक्रेट वूमेन, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हो, धार्मिक होने वाले हो, डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, मैनिफेस्टेशंस करने वाले हो, पेट लवर्स आप में से बहुत लोग हो सकते हैं, एंड आप लोग खुद की लाइफ पे फोकस करोगे, खुद के साथ हैप्पी रहोगे, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करोगे, बिगर पिक्चर देखोगे एंड काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे एंड होपफुल रहोगे फॉर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है लाइफ पर्पस। आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होगे एंड उसको पूरा करने में लग जाओगे, नो मैटर कि कौन सा रिलेशनशिप आपके साथ है या कौन सा नहीं है। आपको पता है आपकी लाइफ खुद की है, आपके लाइफ का पर्पस भी खुद का है। ठीक है, कई बार कहते हैं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम साथ में लाइफ पर्पस के लिए आते हैं, डेफिनेटली वो साथ में आते हैं और उन्हें करना भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर एक अवेकन नहीं हो रहा तो दूसरा अपना लाइफ पर्पस करे ही ना, ये सोचता रहे कि कब वो समझेगा, कब वो सपोर्ट करेगा एंड तब वो लाइफ पर्पस के लिए आगे बढ़ेंगे। नोट लाइक दिस, हर एक सोल का अपना इंडिपेंडेंट पर्पस होता है। ठीक है, कोई भी किसी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर जरूर करते हैं, एक दूसरे को बार बार खींचते जरूर हैं कि हाँ भाई लाइफ पर्पस कुछ है जो पूरा करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बिना आप पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट कार्ड है द गार्डन। तो आपके लाइफ में एक रिलैक्स जोन आने वाला है। ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, अनकंडीशनली लोगों की हेल्प कर रहे हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि लोग रिटर्न में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो टोटली एम्प्टी हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं वो आपको क्या देंगे, आपको जस्ट दे सकती है तो सिर्फ डिवाइन, बिकॉज डिवाइन के पास अनलिमिटेड है सब कुछ। द गार्डन इज इम्प्लाइंग कि आपकी लाइफ में एक रिलैक्स जोन आने वाला है। गार्डन में मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर आपके आसपास आपके रिलेटिव्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, नॉट लाइक दिस। गार्डन में आप अकेले ही लेटे हो, यू आर विद डिवाइन, यू आर विद नेचर, यू आर विद पेट्स, यू आर विद एनिमल्स एंड आप काफ़ी रिलैक्स हो एंड काफ़ी इंजॉय कर रहे हो इन मोमेंट्स को। आप खुद में कंप्लीट हो, खुद में हैप्पी हो, खुद के लिए जी रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स लाइफ को स्पेंड कर रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट्स का। ठीक है, एंड बॉटम से अगर मैं चेक करूँ एक कार्ड तो सेल्फ रिस्पेक्ट। सो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे जरूर समझने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्थ ज़रूर समझने की ज़रूरत है एंड बाहर निकलने की ज़रूरत है सारी नेगेटिविटी से, बिकॉज़ यू आर वेरी प्रीशियस एंड योर लाइफ का अपना पर्पस है, योर लाइफ की अपनी इंपॉर्टेंस है एंड यू आर परफेक्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, एंड यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट करो, डेफिनेटली आपके लाइफ में, खुद के लाइफ में रिलैक्स आ रहा है, खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है, शांति आ रही है, आप लोग ग्रो कर रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लाइट वर्कर्स बन रहे हो। ठीक है, लोगों की हेल्प कर रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड एंड पीसफुल लाइफ जी रहे हो अहेड। नेक्स्ट वन मंथ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस जो है वो आपके लाइफ में काफ़ी स्पीडली आ रहा है। ठीक है, जिसमें आप खुद में काम रहोगे, खुद में पीस रहोगे, खुद में हैप्पी रहोगे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, जजमेंट पे बिलीव करोगे, होपफुल रहोगे फ्यूचर के लिए एंड प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे एंड काफ़ी कुछ इम्प्रूव करोगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इन चीज़ों से कनेक्ट हुए होंगे। इफ़ इट रियली डज, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस एवरीवन।